अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंधी स्टाइल की चना चाट बनाना सिखाएंगे। इंग्रेडिएंट्स हमें ये चाहिए होंगे, 2 कप हमने चने बॉईल कर लिए हैं। चनों को बॉईल करने की वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे देंगे। 1 कप हमने आलू ले लिए हैं बॉईल किया हुआ, 1 बड़े आलू को हमने बॉईल कर लिया है तो वो तकरीबन 1 कप हो जाते हैं। 50 ग्राम इमली ले ली है, उसको पानी में भिगो दिया है, इसका जो है हम पल्प यूज़ करेंगे। 1 प्याज ले ली है, उसको चॉप कर लिया है। 1 छोटा टमाटर ले लिया है, उसको भी चॉप कर लिया है। आधी गेटी धनिया की ले ली है, उसको भी बारीक सा चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून हमने जो है ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है और 8 से 10 हमने जो है काली मिर्च के कॉर्न्स ले लिए हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो 1 टीस्पून जर्दे का कलर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस चाट में। सबसे पहला स्टेप, इमली जो हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट पानी में भिगो के रखी थी 50 ग्राम, उसको अच्छी तरह से पानी में घोल लेंगे ताकि इमली का पूरा पल्प जो है वो पानी में निकल जाए। उसके बाद इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और जो है इसको हम एक पैन में जिसमें हमें अपनी चाट प्रिपेयर करनी है उसमें ये पूरा पल्प डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से पूरे पल्प को निकाल लें। उसके बाद आधे आलू जो हैं वो हम इसमें डाल लेंगे, आधे हम बचा लेंगे बाद के लिए। इन आलूओं को आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, चाहे तो हाथ की मदद से कर लें या चाहे तो किसी मैशर की फोक की मदद से भी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको इमली में जो है वो मैश कर देना है। ये हमने आलूओं को मैश कर लिया है, अब इसमें हम जर्दे का कलर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस चाट की जो खूबसूरती है वो इसी कलर की वजह से आती है। अब जो है हम इस चाट को चूल्हे पे रख देंगे। ये जो हमने इमली और आलू का मिक्सचर रेडी किया है इसको फ्लेम पे रख दिया है हमने। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें सारे मसाले जो हमारे थे वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट हम जो है मसालों को पका लेंगे। डेढ़ से 2 मिनट आप इसको अच्छी तरह से कुक करें। जैसे ही ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए इसमें हम अपने चने ऐड कर देंगे। चने अगर प्रॉपरली बॉयल्ड हों तो चाट बहुत अच्छी बनती है। साथ में हमने इसमें अपने बॉयल किए हुए आलू भी ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। 2 से 3 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। 2 से 3 मिनट इनको जो है इस मसाले में अच्छी तरह से पका लेना है। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही इमली जो है इनमें अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, हम इसे फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद और फ्लेम से हटाने के बाद हम इसमें अपने प्याज टमाटर धनिया और हरी मिर्च ऐड करके उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम चाट के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमारी चाट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।